देखो सर, ये इसका टेम्परेचर का है, ये बटन। ठीक है सर, आप सर्दी के अंदर एक मिनिमम कूलिंग से 2 तक इसके बीच में रख सकते हो जी। ठीक है सर, जैसे आपका नॉर्मल हो, जैसे बरसात मानसून का मौसम हो, उस समय आप 3 से और 5 के बीच में रखोगे। गर्मी के मौसम में आप 5 से और मैक्सिमम कूलिंग तक रखोगे। ठीक है सर, ये इसका डिफ्रोस्ट का बटन है सर, आपको हफ्ते में 3 बार डिफ्रोस्ट करना है जी। ठीक है जी, ये बटन अंदर की तरफ प्रेस करोगे तो ये डिफ्रोस्ट मोड में चला जाएगा। आपको नाइट के अंदर डिफ्रोस्ट करना है ये, क्योंकि अगर दिन में कर दोगे तो इसकी सारी कूलिंग ये मेल्ट हो जाएगी। ठीक है सर, मेल्ट होने के बाद आपको बर्फ़ नहीं मिलेगी। अगर रात को करोगे तो 2-3 घंटे में मेल्ट होने के बाद ये दोबारा से अपने वर्किंग पे आ जाएगा। इनमें आप बोतल सेल्फ वगैरह, बोतल, बड़ी बोतलें वगैरह रख सकते हो या दूध वगैरह रख सकते हो इनमें। ठीक है सर, ये हमारा फ्रूट बास्केट है। इसके अंदर सर्दी की तरफ इस साइड करोगे बटन को और गर्मी की साइड इस साइड करोगे, क्योंकि गर्मी की साइड हमारे को ज़्यादा कूलिंग चाहिए मैक्सिमम, और इस साइड लो चाहिए, तो ये लो के लिए है सर। ठीक है सर, ये हमारी टोकरी, ये बोतल सेल्फ वगैरह रखने के लिए, ये ब्यूटी केयर। ठीक है जी, इसके अंदर मेडिसिन वगैरह आप रख सकते हो कोई भी चीज़। इसमें कोई लेवलिंग वगैरह भी करनी पड़ती है? लेवलिंग होनी चाहिए, और जब नया नया फ्रिज हो तो इसको खाली चलाना पड़ता है 2-3 घंटे ऐसे कि सर, जब आप खरीदो लाए हो उस समय आप 2-3 घंटे फ्रिज को सीधा खड़ा करके रख दो। अच्छा, ठीक है सर, उसके बाद आप फ्रिज को 3-4 घंटे खाली चलाओ, क्योंकि इसका अंदर का टेम्परेचर आ जाए। अच्छा, बस इसीलिए लिखा? बस इसीलिए सर। लेवलिंग कैसे करते हैं? लेवलिंग ऐसे होती है सर, क्योंकि आपका अगर हिल रहा है फ्रिज तो आपका यहाँ से ये लेवलिंग हो जाएगी। जो ये व्हील दिए हुए हैं ये घूमते हैं आपके, ये दोनों व्हील ऊपर नीचे हो जाएंगे। अच्छा, उसके लिए लेवलिंग के लिए दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है सर। ये हमारी ये है जी, मैग्नेट है इसके अंदर। बाई चांस आप मान लो चिपकने की या डोर को खोलने वगैरह में उसमें दिक्कत आ रही है तो आप ये चीज़ उतारोगे इसकी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। और इसको गर्म पानी में वॉश करके वापसी लगा दोगे। अच्छा, इसके अंदर बुर्स वगैरह या कुछ भी नहीं मारना है, ओनली गर्म पानी से धो के वापसी लगा दो। अच्छा अच्छा, और इसकी नीचे की ट्रे भी लग जाती है इसमें? नीचे की ट्रे कौन सी सर? नीचे ट्रे भी लगाते हैं कह रहे थे, बास्केट भी लग जाती है? वो बास्केट लग जाती है जी, वो दूसरे में आती है जी, इस मॉडल में नहीं है। नहीं, लेन परचेज हो जाती है? हाँ जी, हाँ परचेज शायद हो जाए, इतना कंफर्म नहीं है, क्योंकि सर्विस सेंटर तो नहीं मिलेगी सर आपको शायद। अच्छा, अगर मंगवाना चाहोगे तो ही मंगवाई जाएगी। इसके फ्यूचर वगैरह इस फ्रिज के बारे में? फ्रिज आपका साइड से गर्म होगा, इसके ऊपर कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है सर, ओनली नहीं जी, आप ऊपर डाल सकते हो, पीछे आपका खुला होना चाहिए, पानी अपने आप सोख लेगा ये ऊपर साइड। हाँ, जो पीछे से ड्रेन का पानी आपके पुराने फ्रिजों में बाहर निकलाता था वो ऐसा सिस्टम नहीं है, ये अपने आप सोख लेगा। बार ये देखते हैं कि वर्क विदाउट स्टाफलाइजर, क्योंकि हम नीचे भी लिखा हुआ है कंपनी ने 135 वोल्टेज से 290 वोल्टेज तक अगर आपकी फ्लक्चुएशन कर रही है लाइट, तो इसके अंदर 2-3 पार्ट दिए हुए हैं, वो आपके उड़ जाएंगे या वो कंट्रोल कर लेंगे, आपकी मोटर को नुकसान नहीं होगा जी। ठीक है सर, इसकी 1 साल पूरे फ्रिज की वारंटी है, 9 ईयर इसकी कंप्रेसर की वारंटी है सर। एक इसके अंदर प्लास्टिक पार्ट टूट जाए, टूट फूट की हमारी कोई गारंटी नहीं है सर। अच्छा, इसके अंदर क्रैकिंग वगैरह आ जाती है, उस चीज़ की हमारी गारंटी है। अच्छा, ठीक है सर, ये प्लास्टिक पार्ट है, अगर इनको कोई भी नुकसान होता है, क्योंकि ये टूटते हैं हमारी गलती के कारण, वैसे नहीं टूटते, तो इस चीज़ की हमारी कोई गारंटी नहीं है। जैसे इसके अंदर लाइट वगैरह का या कंप्रेसर वगैरह में और गैस वगैरह में दिक्कत आती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी सर आपकी 1 ईयर के अंदर, उसके बाद हमारा सर्विस चार्ज लगेगा। और बाई चांस कंप्रेसर को छोड़ के और पार्ट में दिक्कत है तो आपको उसका सर्विस चार्ज और पार्ट का पैसा पे करना। तो इस फ्रिज में ये किनारे से जो गर्म हो रहा है ये इसका कारण क्या है दरवाजे की तरफ? इसमें सर हमारे पहले क्या होता था, कंडेंसर बाहर दिया होता था। हाँ जी, ठीक है जी। अब इसके अंदर पाइपें हैं सर,
इंटरनल पाइपें दी हुई है, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह कई बार अंदर नए घुसे उसके कारण मॉइस्चर वगैरह को बाहर ही मार दे, क्योंकि उस रीजन में हमारे फ्रिज में पानी पानी हो जाता है। अच्छा, बरसात के मौसम में उसका फायदा क्या हुआ? मींस अगर पहले वाले में क्या नुकसान होता था? अगर नहीं होता, नुकसान तो नहीं होता था सर, लेकिन अब कंपनी का धीरे धीरे वो तो है ही सर, स्टैंडर्ड साइज तो बनेगा ना। अच्छा, हम इतने महंगे मॉडल दे रहे हैं उस चीज में, अगर सर इसी मॉडल में या बाकी सस्ते वाले मॉडल में भी कर दिया सर? ये सस्ते वाले मॉडल में भी है। अच्छा, छोटे फ्रिजों में भी है, बड़े फ्रिजों में भी है। और डबल डोर में भी है या? हाँ, डबल डोर में तो पूरा इंटरनल वो है जी, अंदर आपकी बाहर कोई भी हीटिंग कॉइल वगैरह नहीं। वैसे डबल डोर का फायदा होता है या इसी का सिंगल का? आंटी जी देखो, वो तो अपनी अपनी पसंद होती है जी, अगर आपको ज्यादा बर्फ वगैरह चाहिए तो डबल डोर लो, अगर कम चाहिए तो आप सिंगल डोर ले सकते हो। हाँ, क्योंकि वो तो आपके घर की कैपेसिटी के अनुसार बर्फ जम जाती है, उसे डीफ्रॉस्ट करना पड़ता है या अपना? डीफ्रॉस्ट तो करना पड़ेगा ना, हफ्ते में तीन बार करना पड़ेगा। अच्छा, हफ्ते में तीन बार, तीसरे दिन के बाद डीफ्रॉस्ट करो जी आप। अच्छा, पानी फिर अंदर आएगा बाहर की तरफ जाएगा? बाहर की तरफ ऑटोमेटिक सोख लेगा वो पानी को। अच्छा, बाहर नहीं आएगा? बाहर नहीं आएगा जी। बाई चांस आपकी ज्यादा बर्फ जमी होगी डोंगों वगैरह में, जैसे हम फुल फुल भर के छोड़ देते हैं तो वो पानी नीचे खिंच जाता है फ्रीजर में, उसमें हमारी मोटी मोटी बर्फ जम जाती है, उस रीजन में आपका अगर पीछे का कवर भर जाएगा तो वही ओवरफ्लो पानी ही बाहर आएगा। अच्छा, और नहीं आएगा और ऑटोमेटिक सोख लेगा। इसलिए पाइप लगाने का भी होता है कि जिससे ये? नहीं नहीं सर, कोई भी पाइप नहीं लगाना आपको। एक तो वो जिस तरह अभी गर्मियों में चलाओ ना, चार या पांच पे चलाओ ताकि बढ़िया चलेगा आपका। अच्छा अच्छा, ज़्यादा करते हैं ना तो उसमें कट वगैरह ज़्यादा मारेगा, बर्फ वगैरह ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से कूलिंग कम हो जाएगी। अच्छा अच्छा, सर्दियों में चलाना हो तो एक या दो नंबर पे। और एक जो ये पानी रखते हैं ना, इसमें थोड़ा नीचे रखा करो पानी ताकि बाहर ना निकले, जैसे बर्फ़ जम जाती है ना थोड़ा बाहर आ जाता है, जिस तरह ये बर्फ़ एक्स्ट्रा हो रही है। अच्छा, दूसरा जिस तरह ये डोर पूरा बंद कर दिया करो ताकि यहाँ पर बर्फ़ ना आए। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ आएगी तो दरवाज़ा बंद करेंगे या खोलेंगे तो ये टूटने का डर है। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ आपकी वारंटी में कवर नहीं होती। अच्छा, दरवाज़ा टूट जाए तो करंट नहीं होगा? वारंटी में क्लेम नहीं होगा आपका। और ये नया दरवाज़ा कितने का पड़ जाएगा? ये दरवाज़ा आपको 500 के लगभग होगा जी। अच्छा, एक बात होता है इसमें डीफॉरेस्ट कब करना होता है कि? डीफॉरेस्ट मान लीजिए जिस तरह अभी यहाँ लगातार लाइट रहती है आपकी, हाँ हाँ, तो बर्फ़ इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा होगी तब हर दूसरे दिन वाले, यहाँ लिखा भी आपका हर तीसरे दिन डिफॉरेस्ट करना होता है, ये लिखा है। अच्छा, तो डिफॉरेस्ट में क्या फ्रिज? डिफॉरेस्ट के अंदर फ्रिज आपका बंद हो जाएगा और ये बर्फ पूरी तरह मेल्ट होने के बाद ही चलेगा। और ये क्या, इसमें क्या बर्फ चाकू वाकू नहीं मारना होता? ये चाकू जिस तरह ये पाइपें होती है आपकी, हाँ हाँ, अगर चाकू मारेंगे तो इनमें लग जाएगा, ये चीज लीक हो जाएगी आपकी, तो ये आपकी ये भी वारंटी में कवर नहीं होगी। अच्छा, चाकू चाकू पेचकस हुआ जो भी तीखी आइटम होगी तो इसको हाथ से वैसे निकालो आराम से। अच्छा जी, ये ऐसा भी होता है कि हम नया नया फ्रिज ला रहे हैं तो जैसे कि हमने ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो उसको थोड़ी देर 5-6 घंटे रखना होता है खाली? नया लेके आते हैं उस टाइम मान ले घंटे तो वैसे रखना होता है सीधा, मान ले बगैर चलाए, हाँ हाँ, वो नहीं करना होता। अच्छा, उसके बाद 5 या 4 घंटे आपका खाली चलाना होता है बगैर सामान रखे। अच्छा अच्छा, ताकि जो कूलिंग है पूरी तरह फैल सके। नहीं, उसका नुकसान भी होता कि नुकसान नहीं है, जिस तरह वाले आपने लाए पूरे तरफ फ्रिज को भर दिया उसके बाद चलाओगे तो कूलिंग आपकी पूरी ऊपर से नीचे तक फैल नहीं पाएगी। अच्छा अच्छा, इसीलिए जैसे खाली चलाएंगे तो कूलिंग ऊपर से नीचे तक पूरी तरह फैल जाएगी, उसके बाद आप सामान रखो उसमें कोई दिक्कत। तो क्या कूलिंग ये ऐसा होता कि कूलिंग जो है ऊपर से सीधा अपने आप ही ऑटोमेटिक नीचे ऊपर से ही नीचे जाती है कूलिंग आपकी, जो ये चीज़ है ना यही कूलिंग सारी यही होती है, इसी से नीचे कवर होती है आपकी। अच्छा अच्छा, ये इसमें मैंने ये कह कि जैसे इसमें ये शीशे का लगा हुआ है, हाँ जी, ये कूलिंग को रोकता है? क्योंकि पहले कईयों में जाली होते तो गैस आसानी से जा सकती है। रोकता नहीं है, देखो पीछे जगह दी होती है इसके अंदर भी। नहीं, अगर ये जाली वाला होता पहचान तो उसमें बेटर होती कूलिंग? नहीं, जगह इसमें भी दे रखी है ना कूलिंग जाने के लिए, जिस तरह ये दरवाजा आपका बंद होगा तो थोड़ी आगे जगह रह जाएगी आपकी और पीछे भी जगह है तो कूलिंग जाती रहेगी। और ये क्या इसमें मैट भी लगा सकते हैं? मैट अगर लगाओ तो सिर्फ शीशे के ऊपर ऊपर, ना कि ये चीज़ पूरी कवर हो, कवर नहीं करनी। अच्छा, ना ये चीज़ कवर करने वाले ऊपर से नीचे तक जितने भी शेल्फ है और ना ही इसके पीछे जो जगह दे रखी है वो कवर कर ले, यानी खुली रहनी है ताकि नीचे खुली जाती है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर इसका ये डिज़ाइन बदलवा सके बदल सकते हैं कि जाले वाला भी लगाना चाहें तो मिल जाएगा? जाले वाला मुश्किल मिलेगा जिस टाइम, नहीं मिलेगा इस मॉडल के लिए।
यानी जो बिग मॉडल है इसमें हमेशा शीशे वाले आ रहे हैं। हाँ, अभी जो भी मॉडल आ रहे हैं सब शीशे वाले ही है। प्लास्टिक टेम्पर ये अनब्रेकेबल शीशा है ना, जिस तरह वाले कोई भारी चीज़ रख दी और रख दी तो टूटता नहीं है। तो जाली वगैरह जिस तरह कई बार हैवी बर्तन होता है तो थोड़ी लचक जाती है, इसमें वो नहीं हो पाता। एनर्जी एफिशिएंट है ये फ्रिज, तो इसका मतलब है कि ये कूलिंग अपने आप रोक देता है कुछ कूलिंग होने के बाद। जिस तरह आपने टेम्परेचर सेट कर रखा ना अंदर, तो उस हिसाब से जितनी कूलिंग अंदर होगी उसके बाद अपने आप कट हो जाएगा ये। अच्छा अच्छा। और जब तक वो कूलिंग कम नहीं होगी तब तक बंद रहेगा, जैसे वो कूलिंग कम होगी दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, जैसे हमारा पुराने वाला था वो कूलिंग करता रहता था, उसमें हो सकता है मान लो दिक्कत हो कोई पार्ट वगैरह की। नहीं, वो बिना स्टार वाला था। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये सिस्टम सब में होता है। जैसे कूलिंग अंदर की पूरी होगी तो उस हिसाब से, जैसे आपने 5 पे कर रखा है उसके मुताबिक अंदर की कूलिंग कम्प्लीट होने के बाद ये कटेगा। अच्छा, एक बात बताओ कि इसमें मैक्सिमम कूलिंग करने के लिए कितने पे रखें, 7 पे रखें या 5 पे? 7 पे नहीं रखना, बस 5 पे रखो, इसमें बढ़िया चलेगा आपका। इससे कम करनी हो तो कम कर सकते हैं। नहीं, 7 पे रखने में नुकसान होता है क्या? उसमें आपकी बर्फ़ वगैरह ज़्यादा हो जाएगी, कूलिंग कम हो जाएगी। अच्छा, तो कूलिंग, हाँ, इसके अंदर जो बर्फ़ है ना ये बढ़ जाएगी आपकी, तो उसकी वजह से नीचे ही कूलिंग कम हो जाएगी। तो बाई चांस हमने सर्विस के बाद कितना चार्ज लगता है पर बजट, अगर आउट ऑफ वारंटी? 230 रुपये एक साल के बाद। स्पेस किसके लिए आई है? ये स्पेस इतना रहेगा ना, जगह दी होती है इसके अंदर। इसमें क्या रखते हैं? ये चिल्लर ट्रे, कोई चीज़ जल्दी ठंडी चाहिए तो इसके बाद जो कूलिंग है इसमें सबसे ज़्यादा होगी आपकी। मान लें नीचे जो चीज़ रखोगे उससे जल्दी ठंडी हो जाएगी इसमें। तो इसमें ज़्यादा कूलिंग होगी बाकी के मुकाबले? जिस तरह मान लें इसमें सबसे ज़्यादा होगी, हाँ, इसमें थोड़ी वो इसमें कम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी नीचे तक। अच्छा अच्छा। ये आपका माइनस में टेम्परेचर, नीचे प्लस में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कितना टेम्परेचर होता है इसमें? -22 या 23 के लगभग होता है। ऐसा भी होता है कि एक बार ये टेम्परेचर मेजर कर लेता है उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाता है? हाँ, कूलिंग करना, हाँ, कूलिंग करना बंद हो जाएगा जिस तरह इसका टेम्परेचर कम्प्लीट हो गया उसके बाद कट हो जाएगा ये। अच्छा, बाई चांस हमने कोई चीज़ ये कूलिंग कम्प्लीट कर चुका है, हमने कोई चीज़ लेट रखी तो उसकी तो कूलिंग नहीं होगी? नहीं, क्यों नहीं होगी, ठंडा पड़ा रहेगा ना वो। नहीं, जैसे इसमें टेम्परेचर ठंडा हो गया ये बंद हो गया, हाँ जी, हमने गर्म दूध रखा और बाद में रखा इसने इसका टेम्परेचर तो हो चुका है, इसका टेम्परेचर हो चुका है, आपने दूध माले बाद में रखा है, कट हो चुका है ये। हाँ, उसके बाद जैसे आप दरवाजा खोलोगे तो बाहर की गर्मी अंदर जाएगी, तो टेम्परेचर थोड़ी देर के लिए बढ़ेगी, थोड़ी कूलिंग होगी। नहीं, इसका टेम्परेचर जैसे कम हो जाएगा ना, दरवाजा खोलेंगे बाहर की गर्मी अंदर जाएगी, हाँ हाँ, तो टेम्परेचर कम होगा था ऑटोमेटिक स्टार्ट, संबंध ही नहीं रहे वो, तो थोड़ी देर में नॉर्मल कर देगा, स्टार्ट हो जाएगा ना वो, स्टार्ट तो कर देगा। दूध को इतना चिलिंग तो नहीं देगा ना? नहीं, उतना नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा आपका, क्यों जो आप दूध रखोगे उसमें भी तो कूलिंग चाहिएगी ना, तो कूलिंग जो नीचे आस पास से जो दूध भी रखोगे ना साइड में उसकी कूलिंग खींचता रहेगा ना वो।